जमानत तो होनी थी। दुनिया में ऐसी जेल बनी नहीं जिसमें करण ओबरॉय कैद रह सके। अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिससे कि चकोर प्रोजेक्ट हेड का पद चाहकर भी ना छोड़ सके, समझे ना? वेरी गुड, बाय बाय। ये क्या कर रहे हो सूरज? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चुप! करण ओबरॉय, बहुत बोल लिया तुमने। अब हमारी सुनो। आज तक तुमने हमारे अंदर का अच्छा आदमी ही देखा है। हमारे अंदर के शैतान को मत जगाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपने इतना गुस्सा, क्या हम पूछ सकते हैं कि इतना सारा गुस्सा हम पे क्यों? कहीं चकोर के प्रोजेक्ट हेड बनने की बात आपको खल तो नहीं रही? हाँ, खल रही है। अब हमें ये बताओ, तुमने चकोर को प्रोजेक्ट हेड क्यों बनाया? बनाया नहीं, ये उनका खुद का फैसला था। ओके? तो इस तरह हमारा रास्ता रोकने के बजाय अगर आप उन्हीं से सवाल करें तो बेहतर है, लेकिन सवाल घर पे करना, बीच सड़क नहीं। ठीक है, चलते हैं। ये शहरी बाबू कहाँ रह गए? कमाल का षड्यंत्र दिमाग है तुम्हारा। वेरी नाइस। तुम्हारा सुझाव रंग लाया। चकोर प्रोजेक्ट हेड बनने के लिए राजी है और बोनस, सूरज खबर सुन के पागल हो गया। क्या बात है, बहुत बड़ी खबर तो बहुत ही बढ़िया दी है आप हमका। अब बस चकोर को काम में इतना व्यस्त कर दीजिए कि उसका घर जाने का भी समय ना मिले। चकोर को हम इतना व्यस्त कर देंगे कि घर जाने की बात तो दूर, उसके पास घर के बारे में सोचने के लिए भी वक्त नहीं रहेगा। लेकिन कहीं वो हमारे सड़क बनाने में अड़चन ना बन जाए। नहीं करिए, बिल्कुल भी नहीं करिए। आप चिंता काहे करें? काहे चकोरिया का आजादगंज के विकास करे की ना बहुत ही बड़ी बीमारी है। ठीक है, बीमार रहे चकोरिया, बस हमें अपनी मूर्ति मिल जाए तो आजादगंज का जो होगा वो होगा। वैसे मूर्ति हासिल करने में आप हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम जो कहते हैं वैसा करते जाइए, हमारा साथ देते जाइए, फिर आपका वो मूर्ति भी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या है प्लान? समय आने पर हम आपका हमरा प्लान भी बता देंगे सहरी बाबू। फिलहाल के लिए चलते हैं। धुरी आंखें। सूरज, तुमने ऐसा क्यों किया? सूरज, जवाब दो हमारी बात का। तुमने करण से इस तरह से बात क्यों की? इतना बुरा भला क्यों बोला उन्हें? सूरज, उन्होंने हमारी मदद की है तुम्हें जेल से बाहर निकालने में। गलती हो गई हमसे, हमें करण से सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अरे हम भूल गए थे कि चकोर जो भी फैसला करती है खुद करती है, उसका हर निर्णय उसका अपना होता है। सूरज, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो हमसे? नहीं तो हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए और तुम हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हो। काश तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। तुम जानते भी हो सानवी का ध्यान रखते हुए ये प्रोजेक्ट को संभालना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। अच्छा, अगर तुम्हें सानवी की इतनी ही चिंता है तो फिर प्रोजेक्ट हेड बनने के लिए तुमने हामी क्यों भरी? कल ही हम दोनों बात कर रहे थे ना सानवी के बारे में। हमने तुमसे वादा लिया था कि तुम उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दोगी, उसका ख्याल रखोगी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो फिर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमने क्यों उठाई? सूरज, हमने ये जिम्मेदारी इसलिए ली ताकि हम तुम्हें जेल से आजाद करवा सके, जेल से छुड़वा सके। हम और तुम्हारी बेटी तुम्हारे बगैर मर मर के नहीं जीना चाहते थे, और अगर तुम आजादगंज में नहीं होते तो आजादगंज उन्नति प्रोजेक्ट रुक जाता। इसीलिए हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। सूरज, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हमें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कोई महत्व है कि नहीं हमारा। देख चकोरिया, हम तोरे जीवन में कलेस मचाना चाहते थे, कलेस, और हम सफल भी हुए। बस अब तुम दोनों लड़ो और बस लड़ते ही रहो। तुम्हारा हमारी जिंदगी में क्या महत्व है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो सूरज। हमारी जिंदगी सिर्फ दो लोगों पर निर्भर है, एक तुम और दूसरा हमारी बेटी। अब तीसरे को भी गिन लो तुम, तुम्हारा ये उन्नति प्रोजेक्ट। तुम भूल गई हो क्या चकोर, हमारे बीच में एक समझौता हुआ था कि जब तक सानवी बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम उसका ख्याल रखोगी, किसी और काम में ध्यान नहीं लगाओगी, जगत माता नहीं बनोगी। लेकिन जगत माता ने अपना ये समझौता तोड़ दिया। क्रिश, तब परिस्थिति कुछ और थी और आज परिस्थिति कुछ और है। जितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग मर गए, और तुम उससे तुम क्या और तुम। अच्छा, तो ये जो दुर्घटना हुई है हमारी वजह से, उसकी सजा दे रही हो हमें? ऐसे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हम तुम्हें सजा क्यों देंगे सूरज? तो लोगों से लड़ रहे कि हमारा सूरज निर्दोष है, कुछ नहीं किया हमारे सूरज ने, और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें सजा देंगे। तुम्हें सब सोच भी कैसे सकते हो? क्या हो गया तुम्हें? ये तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं चकोर कि तुम्हें क्या हो गया? इतना बड़ा तुमने फैसला ले लिया बिना सोचे समझे, ख्याल नहीं आया तुम्हें सानवी का। तुमने सोचा नहीं कि वो छोटी सी बच्ची क्या करेगी, कैसे रहेगी अपनी माँ के बिना इतनी देर, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि बचपन में तुम ये सब सह चुकी हो। अरे अब फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त एक बेटी बंधुआ बनके अपनी माँ से अलग हुई थी, और आज एक माँ प्रोजेक्ट हेड बनके अपनी बेटी से अलग हुई है। डडाएंगे डडाएंगे सानवी, अरे बिटिया अमरी। सानवी, तुम्हें देख के तो हमारा सारा गुस्सा, सारी थकान सब दूर हो जाता है। सूरज बाबू अब ठीक तो है ना? मालकिन से मिले, मालकिन से मिल लीजिए। अरे आपके लिए बहुत परेशान थी। मिल लेंगे। ठीक है सूरज बाबू, हम आपके लिए कुछ खाना बना के लेके आए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। आप एक काम करिए, सानवी के लिए कुछ बना दीजिए। हम? अरे नहीं नहीं, चकोर बिटिया ना सानवी के लिए खुद ही अपने आप से काम करती है, उसका खाना पीना दूध का सारा काम वो खुद ही करती है। हाँ, लेकिन आज उसने नहीं बनाया होगा ना, जमानत के लिए भाग दौड़ कर रही थी। अरे नहीं नहीं, सवेरे सवेरे उठ गई, सबसे पहले सानवी के लिए खाना बनाया और फिर उसके बाद गई। और तो और चलते फिरते सानवी रानी के लिए एक अच्छी सी फ्रॉक भी बनाई उसने। अरे कहा है ना कि मार्केट का कपड़ा अच्छा नहीं होता है, इसलिए। चकोर ने सानवी का सारा काम कर लिया, खाना बना दिया, फ्रॉक भी सिल दिया।